डागर फैमिली ब्लॉग में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। सभी को राम राम। मेरे चैनल पर जो नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, शेयर भी कर दिया और कमेंट करके जरूर बताओ आप लोगों को मेरी वीडियो कैसे लगती है। और आज बज चुके हैं शाम के 7, जब से मैंने अपने ब्लॉग की शुरुआत करी है और अब वही है किचन में काम बनने कर रखे खाने की। तो ये आज खाने में क्या बना रही हूँ चलो आप लोग को दिखाती हूँ। आ रही हूँ भाई। ये तो बनी को तैयार किया मैंने, बना रही मैं टिंडे की सब्जी। टिंडे ली है मैंने 8 और इधर उगा स्वीट कॉर्न। बेटी खाएगी उसको स्वीट कॉर्न खाने थे, उसके लिए बना रहे हैं। ये हो बने तैयार बिल्कुल। ये देखो इसमें डाल देते हैं मैं टिंडे जो कि मैंने पानी में काट कर रख रखे पहले से, उनको डाल देती हूँ। ये चप्पल टिंडे हैं, उनको खुले बनाऊँगी। कुकर में बनाए तो ये बिल्कुल अजीब से हो जाएंगे, अन्ना स्वाद आएगा, इसलिए खुले ही बनाने में सही है। एक बूट इसमें डालूंगी पानी, उसको छोड़ देंगे पकने के लिए। बस अमन दिया करके इसको ढक देते हैं, इस सब्जी को बनने देते हैं। रख कर लेते हैं अपना दूसरा काम। पहले तो मैं लिया क्यों क्योंकि दूध आड़ा आ गया है दूध। ये उबल गए मेरे स्वीट कॉर्न, तो इसमें डाल लेते हैं चाट मसाला। अगर आप इसमें प्याज टमाटर खीरा पनीर वगैरह वो डालना चाहो तो डाल सकते हैं। एक एक चाट सी बन जाएगी और बहुत स्वाद लगती है। और सिंपल खाना चाहो तो सिंपल भी खा सकते हैं। और मैं दे रही सिंपल अपनी बेटी को क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, इतना सारा सौदा भी मैं काटूँगी क्योंकि मैंने चिंडे की सब्जी तो दी छोक। एक चाट मसाला डाल देती हूँ थोड़ा सा, इससे भी अच्छा टेस्ट आता है। और अभी मेरे को पनीर की भुर्जी की तैयारी और करनी है और छोकूँगी क्योंकि बेटियाँ नहीं, मेरी बेटी नहीं खाती टिंडा घिया तोरी, ये इसके दुश्मन है, इन चीज़ों को बिल्कुल मुँह नहीं लगाएंगे। चलो उसको भी देखते हैं। ये उसके स्वीट कॉर्न और खाने में बहुत टेस्टी होते हैं स्वीट कॉर्न। अपना स्वीट कॉर्न पकड़। अरे ये होगी पनीर की भुर्जी की तैयारी। तेल गरम होने के लिए रख दिया है। ये प्याज काट लिए हैं, ये टमाटर पीस लिए हैं और जो पनीर मैश कर दिया है। अभी छोक लेते हैं पनीर की भुर्जी। इधर टिंडे बन जा रहे हैं, उधर उधर दूध गर्म। तो पहले छोक लेती हूँ मैं पनीर की भुर्जी। तो बच्चों के लिए करना पड़ता है क्योंकि वो टिंडे नहीं खाएगी, तो उसके लिए छोड़ देते पनीर और डाल देते इसमें। मैं छोड़ लेती सब्जी, उसके बाद आप लोगों से मिलती। सब्जी मेरी बन कर दोनों हो गई तैयार। ये देखो ये पनीर की भुर्जी जो तो मेरी बेटी को बहुत पसंद है और इसके पापा को भी बहुत पसंद है पनीर की भुर्जी। और ये बन गए मेरे टिंडे, टिंडे की सब्जी। और बेटी बना रही पराठे। ये देखो ये सेक दिए पराठे इसने। और मैं लगा रही कर रही जोत बत्ती, फिर जाऊँ मंदिर में क्योंकि आज शनिचर है। ये बना ला रही पराठे। लोग की शुरुआत तो कल शाम से हो गई थी, अब हो चुकी सुबह। और सुबह वही हुई है, लेडीज का तो पहले किचन में ही काम होता है। तो फिर मैं सुबह फिर से किचन में एंट्री और किचन में क्या सब्जी बना रही हूँ अभी मैं फिलहाल दिखाती हूँ आप लोगों को। मैं बना रही घिया की सब्जी, इसके लिए मैंने घिया कट कर ली है, ये प्याज कट कर ली है, ये हरी मिर्च ली है, वो टमाटर ले ली है। ये हमारा खाना तीखा खाना पसंद करते हैं इसलिए मिर्ची मैं ज़्यादा ही डालती हूँ। चिकन पिका हमारे घर में कोई खाना पसंद नहीं करता,
इसलिए मैं मेरी सब्जी चटपटे ही बनती है। और यहाँ चढ़ा दिया हमें देसी घी, क्योंकि मैं घिया टिंडे तोरी हुई दाल हुई देसी घी में ही छोड़ती हूँ। और तो सरसों का तेल यूज करती हूँ लेकिन उनके लिए यूज करती हूँ। और अब मैं छोड़ लेती सब्जी, फिर मिलती है आप लोगों से। जो होगा मेरा छोक तैयार। और एक घिया मेरी कटी हुई रखी थी, पानी में मैंने पहले धोगा फिर पानी में भी धोकर छोड़ दी थी। अब छोक ने बिल्कुल घी छोड़ दिया है। देख डाल देते हैं इसमें सब्जी, और इधर मैंने आटा गूंद छान लिया, गूंदे हैं वो गूंदूंगी। यदि सब्जी बन गया तो काम भी हो जाएगा साथ के साथ ही। उसके बाद काम पर लगेंगे, आज मशीन भी लगानी है, कपड़े भी धोने हैं। देखते हैं ये सब्जी मेरे बनकर हो गई तैयार। और यहाँ मैंने आटा लगा कर रेस्ट करने के लिए घी लगा कर थोड़ी देर था। आटे को ऐसे गूंद के थोड़ी देर के चिकना तो लगा के किसी भी चीज़ का लगा लो, मैंने तो घी का लगाया था। थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दो और फिर इकट्ठा करके कर दो। इससे रोटियाँ भी एकदम फूली फूली बनती हैं और वो रोटियाँ गैस भी नहीं बनाती, क्योंकि वो आटा आराम से सेट हो लेता है। ओके, इकट्ठा करके आप ऐसे कर दो उस आटे को। रोटी बनाते समय वो हाथ कभी नहीं लगते, कई बार हम आटा गूंद कर गैर गैर रोटी बनाने लगते वो हाथ कभी लग जाता है लोहे बनाते समय, पर ये आटा नहीं लगेगा। ये देखो मैंने इकट्ठा किया, मेरे हाथ का काम लगेगा क्योंकि वो सेट हो चुका है अच्छी तरह से। खाना डालकर छोटे बर्तन में रख दूँगी, ये खाना खाएँगे तब बना दूँगी, क्योंकि खाने की तैयारी हो गई है, सब्जी भी बन गई है, आटा लगा दिया है। इसके पापा भी आए नहीं दूर बांट के, जब आएंगे तब रोटियाँ सेक लेंगे। ये है मेरी दही जो कि अच्छी तरह से जम चुकी है, देखो इसको रख देती हूँ अब फ्रिज में। फ्रिज में पता नहीं क्या क्या रखा हुआ, ऊपर तक बड़ा हुआ रखा। ये मेरी बेटी को बर्थडे पे गिफ्ट मिला था, ये ऐसे ही करती है, ये करती है। एक मिनट, ये गुलाब का फूल देख सकते हैं, ये गुलाब का फूल, ये गुलाब के फूल को अपने अगले बर्थडे तक रखती है। पिछले साल मिला था वो, नहीं पिछले साल, उससे पिछले साल मिला था, इसने एक साल तक रखा है, अब इसको भी एक साल तक रखेगी। ऐसे ही फ्रिज में रख रखा है इसने। ये देखो 21 तारीख से लगा के आज तारीख हो गई है 30, 10 दिन हो गए हैं ऐसे ही है। उसको वापस से रख देते इसको फ्रिज में। ये आ गई सब्जी, टमाटर हैं वो खोल के देखूँ क्या क्या सब्जी है इसमें। और इसमें खोल कर दूँगी जब सेर करती हूँ। ये मंगाया था शाम को आटा, आटा हम रेडीमेड ले आकर खाते हैं, सिल्वर कोइन आटा है ये। आटे को तो डाल दिया मैंने टंकी में, खाली पनी इधर रखी है ताके की। और यहाँ हो रहा है दूध गर्म, ये हल्दी वाला दूध है इसके पापा का, बच्चों के पापा का। और यहाँ हो रहा घर के लिए दूध गर्म। ये बर्तन कुछ मंज गए हैं, थोड़े से बच रहे हैं, ये मांजूंगी, उसके बाद लिखूंगी दूध। और दूध का रजिस्टर दिखाती हूँ हम दूध कैसे लिखते हैं, लिखूँ जो आज आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आगे डॉक्टर साहब गजने लोग ये नाश्ते में यूज़ करते हैं, नाश्ते के सुबह से हम दोनों डाल लेते हैं, इनको डाल लेते हैं हम डिब्बे में। ये हमारा 10-day रजिस्टर जिसमें कि हम दूध लिखते हैं, डेट वाइज दूध लिखा जाता है इसमें। यहाँ अगर सबके नाम होते हैं फिर ये डेट डली होती थी रजिस्टर में, देखो कैसे 1, 2, 3 ऐसे करके पूरे महीने की, ऊपर महीना लिख देते हैं। और फिर यहाँ के नाम होते हैं, फिर वो जितना दूध लेते हैं वो दूध रजिस्टर में पूरे महीने का नोट होता है। सब्जियों में आए हैं टमाटर है ये 5 किलो, घिया
मीठा गोभी और ये हरी मिर्ची। हरी मिर्ची में से कुछ डाल दूँगी, कुछ सब्जी में यूज हो जाएंगे, ज़्यादा ही हैं क्योंकि हमारा हरी मिर्ची फ्राई करके भी खाते हैं, तो उनमें से कुछ फ्राई कर दूँगी और कुछ ऐसे ही सब्जी में, सब्जी भी तीखी खाने पसंद करते, कुछ सब्जी में काम आ जाएंगी। और ये भिंडी है, अभी न धोऊँगी, बाल्टी में रख रखा है धनिया जो धो के अब इसमें रख देती हूँ, जब सूख जाएगा तब इसको साफ करके एक अखबार में लपेट कर रख दूँगी। फिर आप हफ्ता 10 दिन तक आराम से यूज कर लेते हो, कर लो, ख़राब नहीं होता अखबार में आप लपेट कर रख दोगे। तो इसके डंखड़ वगैरह मैंने तोड़ दिए हैं, बस अब एक आधा गंदा पत्ता होगा वो साफ करना है, गोभी के डंखड़ और ये धनिया के ऊपर के मैंने तोड़ अलग से निकाल दिए हैं, क्योंकि अगर इनके साथ रखूँगी धनिया धनिया सारे धनिया को ख़राब कर देगा ये। और आज का ब्लॉग यहीं तक, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।